दोस्तों नमस्कार, आपके YouTube चैनल महाकौशल क्लासेस मंडला में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक बहुत बड़ी जीत हुई है, जिस प्रकार से हमने कैंपेन चलाया था कि हमें रेलवे NTPC ग्रुप डी और जो RRB की जो भी वैकेंसी थी, लगभग 140,640 वैकेंसी थी, जिनके लिए 2018-19 में फॉर्म अप्लाई कराया गया था और अभी तक एग्ज़ाम की कोई भी डेट वगैरह नहीं दी गई थी। तो क्या हुआ था, हमने जो मुहिम चलाई उसका असर मिला और हमें कामयाबी मिली और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही जल्द कि इसे ऑफिशियल तरीके से इसका नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा। आज ही RRB के जो चेयरमैन हैं उन्होंने बताया कि जो 140,640 वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई किए गए थे वो जो है उनके पेपर 15 दिसंबर से लिया जाएगा। हम तैयार हैं पेपर लेने के लिए और उन्होंने अपनी डेट भी बता दी है 15 दिसंबर। तो हमें रुकना नहीं है, और भी वैकेंसी हैं उनके लिए हमें प्रयास करना, जो स्टेट एग्ज़ाम जैसे MP वालों को अपना धरना प्रदर्शन जो भी आंदोलन कर रहे हैं स्टूडेंट वो करना ही होगा, क्योंकि हमें MP पुलिस की भर्ती लेना ही होगा। जो हमारे वर्ग 1 और 2 के टीचर हैं उनको ज्वाइनिंग लेनी होगी और MPSI पुलिस, ठीक है, और कहना चाहिए शिक्षक वर्ग 3 यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा, ये सारी चीज़ें हमें वैकेंसी अभी लेनी है मध्य प्रदेश सरकार से। और अन्य राज्य, सभी राज्यों की बात करूँ, मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी राज्यों की जो भी वैकेंसी आनी अभी बाकी पेंडिंग में, सभी विद्यार्थी आंदोलन करते रहें, हमें वैकेंसी लेनी है। और बात करेंगे तो हमें सबको इतना खुश भी नहीं होना है, जब तक ऑफिशियली तरीके से नहीं होगा हमें उतने ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत भी नहीं है। तो बस यही एक बिग न्यूज थी और कहना चाहिए बहुत अच्छी खबर थी कि हमारी कैंपेन का, हमारी मुहिम, हमारे आंदोलन का, ठीक है, RRB के चेयरमैन को उसका असर पड़ा और उन्होंने आकर के अपनी बात को रखी। दोस्तों यही बताने के लिए मैं आप लोगों के लिए लाइव आया हुआ था। जय हिंद, जय भारत।